इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि लकोरिए की तकलीफ को दूर करने के लिए और कमर में जो दर्द हो जाता है जिसकी वजह से लकोरिए की वजह से कमर में जो दर्द होता है उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा आपको बताऊंगी और बहुत ही फायदेमंद और कारामद। मेरी वीडियो कंटेक्ट देखिएगा सुनिएगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे, तंदुरुस्ती से ज़िंदगी के साथ आप रहें और सारी ज़िंदगी आपकी जो है बीमारियां दूर रखे अल्लाह ताला, और हारने वाली बीमारियों परेशानियों से अल्लाह ताला आपको निजात दे। और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं लकोरिए की वजह से और कमर के दर्द की वजह से भी, क्योंकि जब लकोरिया होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कमर में दर्द शदीद होना शुरू हो जाता है और इसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊँगी। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1200 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान लड़कियों ने मुझे मैसेज किए बाजी हमें इतना अच्छा कोई नुस्खा बताइए जिससे हमारी ये तकलीफ चली जाए। इसमें जो है जब बच्चियों की शिकायत हो जाती है तो उसमें उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, खाना पीना अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी होती हैं और उनका रंग भी जर्द हो जाना शुरू हो जाता है। तो आँखों के आगे गिर्द हल्के भी पड़ना शुरू हो जाते हैं और सूजन भी आ जाती है आँखों में और चेहरा बदनुमा नज़र आता है और रंग भी पीला होना शुरू जाता है। तो क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, ये आपकी कमज़ोरी को भी दूर करेगा और आपको फ़ायदा भी देगा और आपकी ये दर्द सब जो आपकी बीमारी है सब खत्म होने वाली है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने लेनी है, इससे पहले कि बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा औरतों ने मुझे कहा कि बाजी हमें अपने बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनको हम बताने से हम आपको शेयर करने से किस तरह हम आपसे रब्ता करें। तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप का मैंने एक पेज बना लिया है जिसका नाम है बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ। वहाँ जाकर आप अपने जो है जो पर्सनल आपके मसले मसाइल है वो आप मुझे बता सकती हैं, अपने शेयर कर सकती हैं। इसमें जो है जो कि सिर्फ ख़वातीन जाकर ही अपने परेशानी को दूर कर सकती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी दूर होती है और मेरे घर बैठे जो मेरे नुस्खे होते हैं आप इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने कमर दर्द के लिए लकोरिए की जिनको शिकायत है बच्चियों को, वो क्या चीज़ें लेंगी और उसमें इनका इस्तेमाल भी आपने किस तरह करा। नहायत ही आसान है, इसमें आपने इसबगोल की भूसी जो कि 7 इसबगोल कहा जाता है, ये आपको जो है जनरल स्टोर से मेडिकल स्टोर से हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा, या जहाँ से आप सौदा सलफ लाते हैं वहाँ से भी आपको ये दवा मिल जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक दवा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे होते हैं और बहुत जिस्म के सारे निज़ाम को भी ठीक करने वाली ये दवा है। तो ये बहुत बड़ी एक दवा जैसे मैंने बताया। इसमें जो है आपने उसके बाद असगद नागौरी ले लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर दवा है ये, और बहुत सारी दवाइयाँ मैंने बताई, इसमें इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। आज मैं आपको इसका ये तरीका लकोरिया में जो परेशानी आपको वो भी दूर होगी, आपको इसकी वजह से जो कमर दर्द हो रहा है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो है आपने असगंध लगोरी जो है वो आपने इतनी मोटी ले लेनी है लकड़ी, ये आप देख रहे हैं जिस तरह की, इतनी मोटी अगर आप लेंगे तो इसमें ज़्यादा ताकत होती है, बारीक वाली लकड़ी में आपको ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह की आपने मोटी मोटी कहकर जो है पंसार की दुकान से ले लेनी है। तो ये आपको जो है इसको आपने क्या करना है, घर लाकर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इसका इस्तेमाल करें। इसबगोल की जो भूसी मैंने बताई है 7 इसबगोल भी इसको कहा जाता है, इसके आपने 2 चम्मच ले लेने हैं। असगंध नागौरी जो मैंने बताई आपको, इसके जो मोटी लकड़ी आप लेंगे तो आपको इसके पाउडर बना लेना, घर लाकर पीसा हुआ कुछ आपने बाजार से नहीं लेना। जब भी आप दवाई लें आपने साबुत लेकर आपने उसको घर लाकर ही पाउडर बनाना है। जितनी मैं आपको दवाइयाँ बताती हूँ मेरी यही तकीद होती है, आप घर लाकर पाउडर बनाइएगा। 2 चुटकी आपने असगंध नागौरी ले लेनी है, 1 गिलास दूध ले लेना है, इसके अंदर आप मिलाइएगा। अगर आप मिश्री मिला सकते हैं तो मिलाएं, वरना चीनी भी आप मिला सकते हैं अगर आपके घर में मिश्री मौजूद है। मिश्री सबसे अच्छी होती है, चीनी के अलावा अगर आप मिश्री डाल दें तो बेहतरीन है। मिश्री लाकर आप उसको जो है पाउडर बनाएं घर लाकर, और वो जो फिर आपने मिलाकर पीना। 1-2 हफ्ते आप ये जो है खीर सी बन जाएगी, 1 गिलास दूध में जब आप डालेंगे तो खीर सी बन जाएगी, चम्मच से खा सकते हैं, वैसे भी आप पी लेंगे। तो क्योंकि इसको जो है आपने निहार मुंह पीना है, बहुत ही फायदेमंद दवा है, आपको फायदा देने वाली है। अगर आपका निहार मुंह दिल नहीं चाहता बाल लोगों का कि हम नहीं खाएं, तो आप शाम को 4 बजे से रहें, आपने बनाकर दूध के अंदर मिलाकर आपने इसका इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ताला को बहुत फायदा हो जाएगा। दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।